हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो अब हम बात करेंगे कि अपने पंच को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। आप किसी चीज़ को हिट करते हो, किसी टारगेट को आप हिट करते हो, तो आप उस चीज को कितना इम्पैक्ट दे सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग पंच से। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब आप पंच करते हो तो पंच करने के टाइम आपने बॉक्सर को देखा रहेगा कि उनका पंच नॉर्मल हाथ से नहीं मारते। देखो, जो रोड पे लड़ते हैं लोग और जो रिंग में लड़ते हैं, बॉक्सिंग एरिना में लड़ते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। रोड पे लड़ने वाले लोग कैसे हाथ से मारते हैं, कैसे भी मारते हैं, ओके। बट जो बॉक्सिंग करते हैं, जो रिंग में होते हैं, उनका पंच मारने का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। तो बेसिकली रोड पे मारते हैं, किसी भी तरीके से मारते हैं विदाउट एनी टेक्निक, तो वो जस्ट अपने आप को थकाते हैं, टायर्ड करते हैं और काम ख़त्म करते हैं। एनीवेज, मैं ये बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये अपने डिफेंस के लिए है। तो आप अपने डिफेंस के लिए यूज़ करें, ना कि किसी को हार्म करने के लिए या बुली करने के लिए यूज़ करें। ओके, सो कम टू द पॉइंट। तो पंच मारने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड से आपको एक पैर आगे एक पैर पीछे करके अपने आप को रोटेट करना होता है। आप पीछे पैर से जब ग्राउंड को पुश करते हो, यानी कि आप ग्राउंड से एनर्जी ले रहे हो और उसको आप अपने हिप के पास ला के रोटेट कर रहे हो। सी, यहाँ से पैर से मैंने पुश किया, आगे की तरफ मैं झुक रहा हूँ, फिर अपने हिप को रोटेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हिप को रोटेट कर रहा हूँ ताकि मेरा एक मोमेंटम क्रिएट हो, और जो मोमेंटम जैसे क्रिएट होगा मैं उस मोमेंटम को अपने शोल्डर से ट्रांसफ़र कर दूँगा अपने नकल्स की तरफ। तो जब आप ऐसे खड़े रहोगे इस तरीके से, यहाँ से आप पुश करोगे, यहाँ से रोटेट करोगे और शोल्डर के साथ साथ अपने नकल्स को ओपन कर दोगे। तो ये बेसिकली मेजर पॉइंट है एक पंच को अपने बॉडी के मोमेंटम और फोर्स के थ्रू टारगेट करना। तो इससे क्या होता है कि आप पंच तो करते हो, उसमें साथ ही साथ एक मोमेंटम रहता है, एक फोर्स रहता है जो टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से हिट करती है और इम्पैक्ट देती है। अब बात करते हैं कि आप अपने हाथ का पोस्चर किस तरीके से रखोगे कि वो एक इम्पैक्ट करने के लायक हो। सो कभी भी जो आपके ये नेल्स हैं, जब भी आप मुट्ठी बंद करते हो आपके ये नेल्स दिखने नहीं चाहिए। तो आप उसको क्या करो, अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से करो। देखिए, मेरे नेल्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ के फिंगर्स में। देन उसके बाद दो चीज़ होता है, आपके एक बचा थंब को आप इस तरीके से रखो ताकि वो यहाँ पे पॉइंट आउट ना हो कि आप पंच करो तो थंब आपका डैमेज हो। थंब को आप अंदर की तरफ रखो या इधर पकड़ो, ये आपके ऊपर है। थंब को आप अंदर की तरफ रखते हो तो आपका थंब टारगेट से हटा रहता है। फिर आप रिस्ट को, आपका रिस्ट बहुत टाइम होता है कि सबका यही जाता है क्योंकि ये बेंड हो जाता है जब जैसे टारगेट खुश रहता है, बेंड क्रैक। आप अपने रिस्ट को टाइट करो इस तरीके से, यहाँ के जो ये आपका मसल है, ये आपका मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम आपका बड़ा मसल है, ये हड्डी का काम करता है। जब आप कड़क करोगे ये लॉक कर देता है पूरे रिस्ट को पूरे अच्छी तरीके से। तो इससे क्या होता है, आपका रिस्ट मुड़ता नहीं, बेंड नहीं होता है, तो क्रैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत मतलब 99% कम। ओके, सो आप इस मसल को इतना स्टिप करो, उसके बाद ही आप पंच के लिए आगे बढ़ो। और उसके बाद जब भी आप पंच करते हो तो आपको पंच कैसा भी नहीं मारना है, एक एरो की तरह मारना है। आपका ये जो यहाँ से लेके एल्बो से लेके पूरा नकल्स तक जो है आपके दो नकल्स, वो पूरे एक एरो में मूव होने चाहिए। अब एरो में मीन्स एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए साथ में, ये नहीं कि हाथ इधर, ये इधर है, ये इधर है, तो ये एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए लेकिन आप यहाँ सामने की तरफ पे कह रहे हो, तो इससे क्या होगा, क्रैक होएगा, डैमेज होएगा। सो आपको एक एरो की तरफ मूव करना है। तो बॉक्सर को आपने देखा रहेगा, वो ऐसे रहते हैं तो ये एरो की तरफ जाता है सीधा, फिर हुक मार रहे हैं तो ऐसा, अपर मार रहे हैं तो कुछ इस तरीके से। तो अपने पंच को एरो की तरफ पंप करें और टारगेट को हिट करें।
सो दिस इज द वीडियो अबाउट हाउ टू यू नो कनेक्ट अ स्ट्रॉन्ग पंच, हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पंच। इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ अलग तरीका पता हो या आप कुछ बेटर जानते हो। एंड प्यार बरसाओ। थैंक यू।